उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसी के साथ जी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट जी। इस वक्त आज फिर मैं वंस अगेन तारिक रोड पर मौजूद हूँ। आया तो खैर वैसे मैं था आपके और हमारे बहादुराबाद, लेकिन वहाँ से अब मेरी वापसी हो रही है, सो इस वक्त मैं घर की तरफ रवाना दवा हूँ, लेकिन जा रहा हूँ तारिक रोड से होकर। इस वक्त जी बड़ी ट्रैफिक है तारिक रोड पर और आप लोग देख सकते हैं कि उस दिन जहाँ मैं गया था उस दिन तो वहाँ गया था जहाँ गाड़ियों का काम होता है, लेकिन आज वहाँ हूँ जहाँ हम शॉपिंग करते हैं अपनी। और इस वक्त जो है आप अगर देख रहे हो तो बिल्कुल इस वक्त ट्रैफिक है, बिल्कुल है, और बाज़ार बिल्कुल खुले हुए हैं, आवाम भी ठीक ठाक है। और बस मैं एक्चुअली भादराबाद इसलिए आया था क्योंकि हमें जो है ना वो खाना प्रिजर्व करवाना था। खाना प्रिजर्व का मतलब मे भी आप लोगों को पता हो, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी घर का अपना सारन बनाए और वो जो है एक महीने तक ख़राब ना हो या दो महीने तक ख़राब ना हो या एक साल तक ख़राब ना हो, ऐसा भी होता है कि खाना एक साल तक जो है ना वो ख़राब नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना होता है आपने कि यहाँ भादराबाद पर दो हैं शॉप्स आप कह लें कि वो प्रिजर्व करते हैं खाने को, और खाने को प्रिजर्व करके जो है ना वो क्या कहते हैं आपको टिन के जो होते हैं कैन उसमें डाल देते हैं। तो खाना ये होता है कि आपका एक महीना या दो महीना आराम से जो है ना निकाल लेता है, ख़राब नहीं होता खाना। आपको जब भी खाना जो है ना खाना हो तो आप उसे जस्ट टिन के डब्बे से बाहर निकालें, बॉक्स से बाहर निकालें और आप उसे जो है ना गर्म कर दें, आप उसे खा लें तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो हम जी इंशाल्लाह जा रहे हैं कहीं, तो इसलिए जो है ना हमें प्रिजर्व करवाना है खाना। सो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताऊंगा बाद में कि हम कहाँ जाएंगे, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, इंशाल्लाह जल्दी आपको बता दूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं।
لیں جی ہم گھر پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ ابھی آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ ولاگ میں. انشاءاللہ کل ہمارا دوبارہ چکر لگے گا بہادر آباد کو, تو انشاءاللہ ہم کل آپ کے ساتھ اگین جائیں گے بہادر آباد. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خوش رہیں, خوش رکھیں, اللہ حافظ.